नमस्कार दोस्तों, सेंसेक्स निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं सेंसेक्स के बारे में तो इस साल दूसरी बार 40,000 के पार क्लोज हुए हैं आप लोगों के क्लोजिंग बल पे। तो एक क्वेश्चन हमारे व्यूअर ने पूछा कि क्या रवि सर आप ये मुझे बता सकते हैं कि हम किस तरह से इसकी एनालिसिस करें या फिर प्रेजेंट सिनेरियो क्या है जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ रहे हैं, मार्केट काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो देखिए, अगर आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी कि किस सिनेरियो पे किस तरह से मार्केट ग्रोथ करता है और कब किस तरह के सिनेरियो पे मार्केट डाउन जाता है, लोगों को नुकसान होता है और लोग कब अच्छा पैसा कमाते हैं। देखिए, यहाँ पे मेनली फैक्ट्स करते हैं, एक तो ग्लोबल मार्केट फैक्ट करता है, एक तो आप लोगों के जो भी कंपनीज के अंदर चल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेल के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट की ग्रोथ, और तीसरी चीज़ दोस्तों कि इसमें अगर कोई अपडेट आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ नए नियम निकल करके आ गए, तो आप लोगों की मार्केट अच्छी पोजीशन पे चला आता है। अगर ऐसे नियम आ गए कि मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं है, मार्केट को नुकसान पहुंचाता है, तो वहां पे आप लोगों की मार्केट डाउन चली जाती है, लोग फिर पैसा वहां से अपना निकालने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों इस समय के प्रेजेंट के मार्केट सिनेरियो पे हुआ है, जो कि आप लोगों को फायदा देखने को मिल रहा है और जो लोग अच्छा खासा पैसा बना रहे होंगे मार्केट से वो इन चीजों को समझ रहे होंगे। तो सबसे बड़ा और पहला रीजन है दोस्तों अमेरिका और चाइना के बीच का ट्रेड वार। अब इन दोनों के बीच में समझौता की पहल देखने को मिल रही है, अमेरिका की तरफ से भी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये बयान पेश करा गया है कि उनके बीच में समझौता हो सकता है। अब दूसरी चीज दोस्तों यहां पे कि आप लोगों का गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस जो लगते हैं आप लोगों के शेयर मार्केट्स पे, जो भी आप लोग बाय एंड सेल करते हैं, उसको कम करने की भी उम्मीद जग रही है। जैसे कि यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% है, तो उसे भी कम करने का ये एक न्यूज आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर डायरेक्टली इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इनमें आप लोगों के बदलाव होने की उम्मीद दिख रही है लोगों को मार्केट में। अभी इसके ऊपर अपडेट आएगी आगे, ठीक है, अभी अपडेट हुई नहीं है, लेकिन ये सिनारियो मार्केट के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। ये दूसरा रीज़न है जो कि मार्केट को ग्रोइंग पोजिशन में लेकर के जा रहा है। और तीसरा दोस्तों कि यहाँ पे अभी दिवाली गई है, तो दिवाली की वजह से कई सारी कंपनीज की सेल इंक्रीज हो गई हैं। जैसे कि अगर आप लोग टाटा मोटर्स को देखेंगे तो टाटा मोटर्स लगभग 30% से ऊपर पिछले 2 से 3 दिनों में गया है। अगर आप लोग जैगवार देखेंगे, लैंड रोवर देखेंगे और टाटा स्टील को भी देखेंगे, तो टाटा की कंपनीज जितनी भी हैं, टीसीएस भी आप लोगों की थोड़ी अच्छी पोजीशन में है, और भी कई सारे शेयर्स हैं जो कि दिवाली से त्योहारी सीजन में जो इवेंट्स आया है इसकी वजह से काफ़ी अच्छे सेल्स हुए हैं, जिसकी वजह से उन शेयर्स की डिमांड बढ़ी है। और जो शेयर सेंसेक्स और निफ्टी में स्टैंड करते हैं उनकी प्राइजेस बढ़ गई हैं, जिससे कि आप लोगों को सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप लोगों के पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स आप लोगों ने होल्ड कर रखे हैं वो भी बड़े होंगे, मार्केट बढ़ रहा है तो ये सेंसेक्स और निफ्टी किसी पर्टिकुलर शेयर्स पर डिपेंड करते हैं। उनमें कुछ शेयर्स लिस्ट होते हैं, उनकी प्राइसिंग बढ़ती है, उनकी मार्केट में ग्रोथ होती है, तो सेंसेक्स और निफ्टी भी आगे ग्रो करते हैं। तो ये है मेन रीजन दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोग चीजों को समझ पाए होंगे कि आप किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें मार्केट में अभी क्या करना चाहिए। अब यहां पे देखिए, आप लोग नेगेटिव पॉइंट किस तरह से ढूंढ सकते हैं कि आगे चल करके क्या हो सकता है। देखिए, आप लोगों का यूएस और चाइना के ट्रेड वार पे जिस तरह का सिनारियो समझ में आ रहा है मुझे, और हो सकता है कि आप लोग कुछ और सिनारियो समझ में आ रहा हो जिसकी वजह से मार्केट ग्रोथ कर रहा है, तो नीचे आप लोग कॉमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, अगर इनके बीच समझौता नहीं होता है, यूएस चाइना का ट्रेड वार आगे जारी रहता है, तो दोबारा से आप लोगों का अगर समझौता का पीरियड खत्म हो जाता है, चाइना उस पे साइन नहीं करता है, दोनों के बीच समझौता नहीं होता है, तो मार्केट दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन में आने की उसकी पूरी उम्मीद आप लोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि अगर आप लोगों के टैक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से कम नहीं करे जाते हैं, अगर सेम टैक्सेस बने रहते हैं, किसी तरह के चेंजेस नहीं होते हैं, या फिर टैक्सेस को और बढ़ा दिया जाता है, तो फिर दोबारा से आप लोगों के मार्केट और ज़्यादा डाउनग्रेड में चली जाएगी। और तीसरी चीज़ दोस्तों, जो इस तरह के इवेंट्स हैं वो इवेंट्स कभी कभी ही आते हैं, जैसे कि फेस्टिवल सीजन अभी गया है तो ये इवेंट्स भी इफेक्ट्स डालते हैं, तो इवेंट्स आप लोगों के 1 महीने तक असर डालते हैं, फिर मार्केट अपनी वही पोजिशन में आ जाता है, फिर धीरे धीरे अपना ग्रोथ करता है। जैसे कि अगर आप लोग पिछले साल देखेंगे तो 34 गया था, इस बार 40 के अबव गया है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों का दर साल बढ़ते जाता है।
ये डिपेंड करता है जो मैंने आप लोग को सारी चीजें बताई। बाकी इसकी डिटेल एनालिसिस मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में और भी कई सारी चीजें ऐड कर दूंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी समझने में। तो अभी ये तीन रीजन समझिए जो कि डायरेक्टली मार्केट पे इफेक्ट डाल रही हैं आप लोगों का सेंसेक्स और निफ्टी, जिसकी वजह से बढ़ रहा है। ये मेरे हिसाब से तीन रीजन हो सकते हैं और मुझे लगता है कि ये तीन ही रीजन है। बाकी आप लोग भी मुझे बताइए कि और क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी इस तरह की पोजीशन में आप लोगों को दिख रहे हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो या फिर कोई टॉपिक हो आप लोगों का तो मुझे नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियो देने की कोशिश करूंगा या फिर उसका रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।